हाउसिंग बोर्ड की समस्याओं को लेके अब यहाँ पे कालू जी को हमने ज्ञापन दिया है, जो यहाँ पे एक्शन साहब हैं। मेरा निवेदन ये है कि मैंने पूर्व में भी कई बार इनको लेटर दिए हैं और इसके बाद में भी इनकी उदासीनता को देखते हुए आज मुझे यहाँ पे मजबूरन होके यहाँ पे सबको आना पड़ा और यहाँ पे इनको कहना पड़ा। हमारे वहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वहाँ की सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इनको जब भी कहा जाता है इनको पास एक ही होना है कि हमारे पास फंड नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है, जब एक ही मंत्री एक ही डिपार्टमेंट होता है तो निगम के पास फंड होता है, एडीए के पास फंड होता है, फिर इनकी उदासीनता के कारण इनका फंड नहीं आ पाता है, क्योंकि सारे मतलब कोई भी अफसर काम करना नहीं चाहता है। जब आओ जब तक ये बस मीठी गोली दे के रवाना कर देते हैं। और आज पहले पूर्व में भी जब सफाई व्यवस्था हुई थी, 7 महीने पूर्व में चालू हुई थी, और आज भी कम से कम 4 महीने से कोई सफाई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ पे। और जो हमारे कॉमर्शियल प्लॉट बेचे हुए हैं उनको बेचे को काफ़ी समय हो चुका है। इनको मैंने कई बार लेटर दिया है कि भाई यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था हो तो कराइए, आपने कॉमर्शियल के पैसे लिए फिर क्या परेशानी है। इसी तरह हमारे यहाँ नालियाँ टूटी हुई है। पूर्व में मैंने MLA फंड से हमने वहाँ पे एक तो किचन सेट बनवाया और नालियों का काम करवाया, पर इन बंधुओं ने कुछ नहीं कहा। पूर्व के अंदर भी जब हमने यहाँ पे नाली मतलब सड़क का उद्घाटन करवाया तब वहाँ पे कम से कम भी 10 माह तक इन्होंने खाली अपने कर्मचारी नहीं होने के मुझे 2 जगह होंगे तब सड़क का कार्य चलेगा। उसके बाद भी हमने निगम से मतलब दबाव बनवा के इनको बोला नहीं हो तो हम कर्मचारी देते मतलब जयन देते हैं। उसके बाद में सड़क का काम हुआ, अन्यथा 9 माह तक तो खाली ऐसे ही पड़ी रही उद्घाटन होने के बाद भी। कितनी बार आपने मिला कि मैंने कम से कम भी 9-10 बार इन लोगों से मिल चुका हूँ और कई बार इनसे खाली आश्वासन सेवा कुछ देते नहीं है। और इनके ये हालत है कि मतलब जब भी आओ इनके पास एक ही है, एक तो स्टाफ नहीं है हमारे पास, एक फंड नहीं है, फंड दो रोने के अलावा कुछ नहीं है। जबकि मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो मूलभूत सुविधा होती है उसका फंड आता है, सभी डिपार्टमेंट के पास फंड आता है, सिर्फ इनकी उदासीनता के कारण उसका सारा हट जाना हमारे यहाँ के जो वासिंदे हैं उनको भुगतना पड़ता है। आज क्या किया तो आगे फिर क्या रहेगा? अगर अब ये नहीं सुनवाई देंगे तो आगे धरना देंगे, आएंगे यहाँ बैठेंगे, इनको ये कहेंगे और मतलब 5-5, 6-6 महीने तक इनका मतलब इनके जब इनको मालूम है कि ये टेंडर खत्म होने वाला है तो पूर्व में उसकी तैयारी क्यों नहीं करते हैं ये लोग, उसको इतना लेट क्यों कर देते हैं, मेरा ये इनसे पूछना है। आपका नाम? प्रकाश। मेरा पार्षद वार्ड 58।